नमस्कार ग्लोब्स डॉट इन में आपका स्वागत है। कोटा के रतनपुर थाना अंतर्गत 1 किलोमीटर दूर बिलासपुर मार्ग के मदनपुर में बीती दरमियानी रात 1:30 बजे करीब 2 अज्ञात युवकों ने स्वराज माजदा को रोककर ड्राइवर से मारपीट की। उसके बाद पर्स में रखी नगदी रकम तथा गुड़ाखू से भरी स्वराज माजदा को लूट कर फरार हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर रतनपुर पुलिस ने नाकेबंदी कर इस मामले की जाँच में जुट गई है। रतनपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोमल साहू पिता चमरू साहू उम्र 36 वर्ष पुराना गोरेला का निवासी है, जो कि गुप्ता ट्रांसपोर्ट गोरेला का स्वराज माजदा क्रमांक CG10AF1986 का चालक है, जो बीती रात को बिलासपुर के हेमूनगर में गुड़ाखू फैक्ट्री से लोड करने के लिए गया था। वहां से वो तोता छाप गुड़ाखू 720 पेटी लोड कर गोरेला जाने के लिए निकल रहा था। वह ग्राम सेंद्री में पहुंचा था कि उसने गाड़ी का डीजल खत्म हो गया। तब वह अपने कंपनी के ड्राइवर से पैसा लेकर डीजल डलवाया। वहीं सेंद्री में खाना भी खाया। रात करीब 12 बजे वह स्वराज माजदा को लेकर गोरेला जाने के लिए अकेले निकला। रात में 1 बजे से 1:30 बजे के करीब रतनपुर बिलासपुर मार्ग के ग्राम मदनपुर में पहुंचा था कि सामने से एक ट्रेलर आया, जिसे वह साइड दिया। वहीं अपने वाहन को थोड़ा धीरे किया। इसी दरमियान एक युवक उनके वाहन के सामने आकर बीचों बीच रोड में खड़ा हो गया और इशारा कर गाड़ी रोकने के लिए बोला। तब उसने अपने स्वराज माजदा को रोक दिया। इतने में उसका दूसरा साथी ड्राइवर की तरफ से चढ़ गया, जिसके बाद स्वराज माजदा का जबरदस्ती चाबी लूट लिया गया तथा दरवाजे को खोलकर उसका कॉलर पकड़ लिया। तभी उसके दूसरे साथी ने उसे बाहर की ओर नीचे खींच दिया, जिससे कि वह सड़क किनारे पर गिर गया। दोनों ने फिर उसके साथ मारपीट की, जहां पर काफी ड्राइवर काफी आवाज भी लगाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। उन लोगों ने उसे रोड के किनारे झाड़ियों में ले गए। उसके बाद दोनों ने फिर से मारपीट की, पास में रखे उसके पर्स से भी लूट लिया, जिसमें नकदी रकम था, जिसमें जरूरी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस तथा माजदा वाहन कीमत 5 लाख रुपए, जिसमें 720 पेटी गुड़ाखू का लोड था, जिसकी कीमत 8,73,000 रुपए है। कुल रकम 13,74,680 रुपए के साथ मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए लूट कर फरार हो गए। स्वराज माजदा है। अज्ञात युवकों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दो लड़के रोड में खड़े रहे, कहाँ पर? ददनपुर के पास। ददनपुर ये पड़ता है मदनपुर। मदनपुर पास दो लड़के खड़े रहे। एक लड़का जस्ट गाड़ी के सामने आ गया, मैं गाड़ी हल्का स्लो किया, पीछे से लड़का आके गाड़ी में चढ़ गया और चाबी खींच लिया। उसके बाद दरवाजा खोल के जबरदस्ती उतारे गया है और कम से कम 10 से 15 मिनट हम उनकी लड़ाई चली है। बहुत मदद मांगा, बहुत चिल्लाया, मेरा वहाँ कोई नहीं सुने। लास्ट में जब मैं थक गया, हार गया, तो लड़का लोग गाड़ी लेके भाग गए। उसके बाद क्या भरा था गाड़ी में? गाड़ी में गुड़ाखू लोड था 720 पेटी। उसके बाद आप? उसके बाद मैं वहाँ से शंकर भगवान के मंदिर तक पैदल दौड़ते आया, कोई लिफ्ट नहीं मिला। फिर एक गाड़ी मिली पिंडा रोड को, बैठा के थाना तक लेके आया मेरे को। तो फिर थाना से पुलिस वाले लेके गया हूँ, तो वहाँ गाड़ी नहीं मिली। वहाँ मेरा जर्सी वर्सी सब फेंकाया था, उसको उठा के फिर यहाँ लेके आया हूँ थाना। कहाँ लेके जा रहे थे गाड़ी? गाड़ी हम पिंडरा लेके जा रहे थे। कोमल साहब। वहीं इस घटना की सूचना अपने वाहन मालिक को दिया और उसके बाद रतनपुर पहुंचने के बाद थाना पहुंचकर ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराया। रतनपुर पुलिस रात में ही प्रार्थी के सूचना पर कोनी, बेलगाना, कोटा, पाली के थानों को इस संबंध में सूचना देकर नाकेबंदी कराई, जहां वाहनों की जांच की गई। रतनपुर पुलिस लूट का मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। आज बीती रात्रि करीब 1 से 1:30 बजे बीच में कोमल साहू, जो स्वराज माजदा क्रमांक CG10AF1986 में 720 पेटी गुड़ाखू लेकर के बिलासपुर से गोरेला जा रहा था, जब मदनपुर के पास पहुंचा तो दो अज्ञात युवक वाहन को जबरदस्ती रोके हैं तथा ड्राइवर के साथ मारपीट किए हैं और वाहन को लूट कर ले गए हैं। और उक्त वाहन में जो लोड सामान थी, उसकी बिल्टी भी थी, ड्राइवर का मोबाइल भी था तथा उसके जेब से एक पर्स और कुछ नकदी रकम 680 रुपये करीब और ड्राइविंग लाइसेंस लूट लिए हैं। नाकेबंदी की गई थी? जी हाँ, घटना की सूचना पर तत्काल दरगहना चौकी प्रभारी को, थाना पाली जिला कोरबा को, बिलासपुर कंडोरों को सूचना दी गई थी, थाना प्रभारी कोटा को दी गई थी। अब यहाँ का जो भी स्टाफ था उसके साथ में 2-3 टीम बनाकर रात में पेट्रोलिंग किए हैं, काफ़ी पता तलाश किए हैं और अभी तक पता तलाश की जा रही है। अभी तक क्या क्या आरोपियों पता नहीं चला। क्या नाम दर्ज किया जा रहा है? उक्त दोनों नवयुवक हैं, उनके विरुद्ध में धारा 394 भादवी का अपराध कायम किया गया है, योजना की जा रही है।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।